बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए समाचार या राय के रूप में विज्ञापन दे रही है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधित्व मंडल ने इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया और शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में बीजेपी ने कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया है कि वह लोगों को राज्य में सत्ता में आने पर उसकी गारंटी का लाभ पाने के लिए मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल देने के लिए कह रही है, जो कि भ्रष्ट तरीकों का सहारा लेना है। प्रतिनिधित्व मंडल में बीजेपी नेता अमित मालवीय और ओम पाठक भी शामिल थे। चुनाव आयोग में दो विषय की शिकायत लेकर आए थे, देश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय मनसुख भाई थे, अमित मालवीय जी थे, पाठक जी थे। तो देखिए, राजस्थान में कांग्रेस ने विज्ञापन दिया, अखबारों में छपा है, फ्रंट पेज। राजस्थान में कांग्रेस की लहर किसने छपवाया कुछ नहीं पता, ये भास्कर है और ये टाइम्स ऑफ इंडिया। राजस्थान में कांग्रेस की लहर देख रहे हैं आप, लेकिन विज्ञापन देने वाले बोल्डली, और प्रेस का नाम बताना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये हमारा विज्ञापन है, और कहा छोटे से, देखिए मैं कह रहा हूं कोने में क्या है पता नहीं। तो ये शुद्ध रूप से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। ये जो प्रेस काउंसिल ने दिशा निर्देश दिए हैं कि विज्ञापन चुनाव में कैसा होना चाहिए, उसका उल्लंघन है। और हमने चुनाव आयोग से आग्रह किया है तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए, FIR किया जाए। और हमने ये भी आग्रह किया है कि ऐसी गलती देश में बाकी चुनाव में नहीं हो, इसलिए इसको थीम बनाकर एक प्रॉपर गाइडलाइन इशू की जाए। इस तरह का विज्ञापन जो मिसलीडिंग है, जो सच्चाई को छुपाता है विज्ञापन दिखाते हैं न्यूज, वो भी फ्रंट पेज पर, ये गलत है और ये कांग्रेस पार्टी की हताशा का परिचय है। दूसरा, हमने एक और शिकायत की है चुनाव में आप अपनी बात कह सकते हैं कि अब ये करेंगे, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल वोटर से गारंटी लेकर के कोई सिस्टम बनाते हैं तो ये ठीक नहीं है। ये देखिए, आज राजस्थान के अखबारों में एक बात छपी है, एक फोन नंबर है पर गारंटी में एडवांस बुकिंग कराए एवं मिस्ड कॉल पर नाम दर्ज कराए। मैं फिर पढ़ रहा हूँ, एक मोबाइल नंबर है पर गारंटी में एडवांस बुकिंग कराए एवं मिस्ड कॉल पर नाम दर्ज कराए। नॉट फेयर, ये ब्राइबरी हो सकता है, एल्योरमेंट हो सकता है, इट कैन बी टर्म्स एट ए काइंड ऑफ इंस्टिगेटिंग द वोटर्स, इंडिविजुअल वोटर्स। अगर आप गारंटी नहीं कराओगे तो नहीं मिलेगा, और गारंटी करना है तो मिस्ड कॉल करो इंडिविजुअल। तो ये बहुत ही गलत है और हमने आज इसको कहा है कमीशन से कि इसको नोटिस लीजिए, इसको भी कार्रवाई सख्त करिए। टाइम बहुत कम है, दो दिन बाद चुनाव है, तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रकार मित्रों, मनसुख भाई इसको भी गाइड करेंगे, उसके पहले मुझे राहुल गांधी की एक टिप्पणी की मैं गंभीर हर्षता करता हूँ। राहुल गांधी ने के शब्दों का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री के लिए किया है वो अशोभनीय है, अमर्यादित है, और मेरे पास और शब्द है, इससे अधिक हम बड़े शब्द नहीं बोलते, पीड़ादायक। राहुल गांधी जी, आपको क्या हो गया है? आप हार की हताशा में इतने परेशान हैं, क्या भारत के प्रधानमंत्री पर गाली पड़ रहे हैं आप? हमारे प्रधानमंत्री किस प्रकार से जाकर के खिलाड़ियों के साथ स्नेह करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनके लिए मदद करते हैं,
आज भारत की टीम एशियाड में अच्छा कर रही है, ओलंपिक में अच्छा कर रही है, पैरा ओलंपिक में अच्छा कर रही है। हमारे क्रिकेट खिलाड़ी ने बहुत अच्छा काम किया, दे प्लेड वेरी वेल, ठीक है, हार जीत होती है। उसको लेकर ही शब्दों का प्रयोग उनके समर्थक पीएम के खिलाफ करें, और फिर राहुल गांधी अपने भाषण में हमारे प्रधानमंत्री के बारे में उस शब्द की बात करें, राहुल गांधी माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी ये अपील तो करना कुछ अपील शब्द का गरिमा होगा, हम उनसे अपेक्षा करें तो माफी मांगे, वरना इस विषय को हम गंभीर बनाएंगे। राहुल गांधी नीड्स टू अपोलोजाइज। राहुल गांधी कुछ तो अतीत से सीखो आप, आपकी माताजी ने सब मौत के सौदागर शब्द का प्रयोग किया था ना, कांग्रेस पार्टी के नैया ऐसी डूबी गुजरात में कि आज तक ऊपर नहीं आ पाती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग आप क्या कर रहे हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री भारत की छवि दुनिया में कहां से कहां पहुंचा रहे हैं, शेमफुल, कंडेमनेबल, डिसग्रेसफुल। एंड राहुल गांधी यू आर शोइंग योर ट्रू कलर एज टू व्हाट इज योर स्टेटस एंड अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। हमेशा पॉलिटिक्स में अनएथिकल प्रैक्टिस करती है, जैसा उन्होंने राजस्थान में किया। राजस्थान में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देके राजस्थान में कांग्रेस की लहर, और उस पर एडवर्टाइज के रूप में, लेकिन रियल हो ऐसी स्थिति में उन्होंने दिया। मैं मानता हूँ कि डेमोक्रेसी में कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रचार प्रसार करे, अपनी बात करे, ये उसका अधिकार है, लेकिन जनता को गुमराह करके वोट लेना मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये उचित नहीं है। और इसलिए आज हमने इलेक्शन कमीशन के सामने हमारी शिकायत दर्ज की है और तुरंत ही उसके सामने एक्शन करने के लिए आग्रह किया है। दूसरा ही महत्वपूर्ण विषय है, आप इलेक्शन में मैनिफेस्टो डिक्लेयर करो और मैनिफेस्टो में आप लोगों को प्रॉमिस करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती, लेकिन आप निष्कॉल करेंगे तो आपको ये योजना का लाभ मिलेगा। उसका नैरेटिव ये होता है कि आप निष्कॉल नहीं करेंगे तो योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा, और आप ऐसा योजना का लाभ लेने का वादा में फिक्स करके जनता से वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक लोकशाही मूल्यों का हनन है। कांग्रेस ऐसा ही वादा कर करके आज दिन तक उसकी राजनीति चलाने की कोशिश की है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, पांचों राज्यों में मैं देख रहा हूँ, खास करके तीन राज्यों में चुनाव हो चुका है, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्यों में कांग्रेस की जो हालत हुई है, जनता को कांग्रेस के पर भरोसा नहीं रहा है, जनता कांग्रेस के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए देख रही है, इसलिए कांग्रेस बोखला के इस टाइप की हरकत कर रही है। हमने आज बहुत आग्रहपूर्वक इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा लोकशाही मूल्यों का जतन करने के लिए न्यायिक इलेक्शन हो, इसके लिए तुरंत ही कांग्रेस के सामने कार्यवाही करें। धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।